एग्जांपल कि हमने मॉड्यूल जो है वो क्रिएट कर लिया, और जैसे कोई भी मॉड्यूल का नेम आपने दिया फंक्शंस डॉट py एक्सटेंशन से आपने उसे सेव कर लिया। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो इसको इंपोर्ट करना, क्योंकि अब हमने सेव तो कर लिया अपने फोल्डर के अंदर, अब उसको अगर हम यूज़ करना चाहते हैं फंक्शन डॉट py को, तो हमें इसको क्या करना होगा, जैसे प्रोग्राम वन में हमने एक फंक्शन डॉट py नाम का मॉड्यूल क्रिएट कर लिया, अब हम इस मॉड्यूल को प्रोग्राम टू के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, इसको इम्पोर्ट। उसका सिंटेक्स क्या है आपका इम्पोर्ट करने का, सिंपली इम्पोर्ट और उसका नेम किसका, मॉड्यूल का, इम्पोर्ट फंक्शंस। यहाँ पे आपको डॉट पी वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप मोर देन वन मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहीं पे कॉमा लिख के सेकंड मॉड्यूल का नेम, देन थर्ड मॉड्यूल, जितने भी मॉड्यूल्स आप इंपोर्ट करना चाहते हो उन सब के नेम यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अब क्या है कि हमारी जो मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे फंक्शंस हो गया, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट हम नहीं चाहते कि हम सारे मेथड्स को इम्पोर्ट करें, क्योंकि अगर हम इम्पोर्ट फंक्शंस लिख रहे हैं, तो जो फंक्शंस नाम का हमने मॉड्यूल बनाया उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 50 फंक्शंस बनाए हैं, तो वो 50 के 50 फंक्शंस ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम होती है, हमारी स्टोरेज ज़्यादा यूज़ होती है। हम चाहते हैं कि फंक्शन में से हम सिर्फ वो मेन फंक्शन ही इंपोर्ट करें जो हमें यूज़ करना है, जैसे कि मैथ क्लास का मॉड्यूल हमारा पहले से ही प्री डिफाइंड होता है, उसमें अगर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ऐड का, स्क्वायर रूट का, पावर का, बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड होते हैं, बट अगर हमें स्क्वायर रूट करना होता है, तो सिर्फ हम स्क्वायर रूट के फंक्शन को ही क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे हम चाहते हैं कि हम एक ही फंक्शन ही इंपोर्ट करें, तो उसके लिए हमारा सिंटेक्स होता है फ्रॉम फंक्शंस, यानी मॉड्यूल का नेम, इंपोर्ट नेम वन, जो भी फंक्शन है वो, अगर एक फंक्शन यूज़ करना है तो एक फंक्शन का नेम लिखेंगे, दो फंक्शन यूज़ करना है तो दो, मतलब जो जितने फंक्शंस हम इंपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ वो हम मेंशन कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे हम उस मॉड्यूल का नेम जिस मॉड्यूल से हम इन फंक्शंस को इंपोर्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फ्रॉम मॉड्यूल नेम इम्पोर्ट स्टार, इस स्टार का मतलब क्या होता है कि हम इस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं, एग्जांपल 50 फंक्शंस हैं, तो हम 50 के 50 फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम इस तरह से लिख देते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल, तो जो भी हमने मॉड्यूल इंपोर्ट करा है, इस टाइम पे भी क्या सिचुएशन है कि हम इस मॉड्यूल के सारे ही फंक्शंस इंपोर्ट करें, तो दोनों सेम ही काम करें, लेकिन फिर भी इन दोनों में डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जब हम फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट एस्ट्रिक करके लिखते हैं, तो यहाँ पे जब हम इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, जैसे कि अगर हमने किसी मैथ नेम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करा है, तो जहाँ हम इसे यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे हम डायरेक्ट उसके फंक्शन को यूज़ कर लेंगे, कि अगर हम स्क्वायर रूट फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट लिख लेंगे स्क्वायर रूट 196, जो भी 196 का स्क्वायर रूट होगा वो आपको शो हो जाएगा। बट जब हम लिखते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल क्या है, मैथ, तो अब हम जहाँ पे भी इस मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, इस मॉड्यूल के फंक्शन को यूज़ करेंगे, तो हमें पहले लिखना होगा मैथ, यानी उसकी क्लास का नेम या मॉड्यूल नेम, मैथ डॉट स्क्वायर रूट 196। तो इसमें ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, काम दोनों सेम करें, यहाँ पे भी आपने इसके सारे फंक्शंस इंपोर्ट करें, यहाँ पे भी आपने मैथ क्लास के सारे फंक्शन इंपोर्ट करें, लेकिन यहाँ इस स्टेटमेंट को जब आप लिखोगे तो आप सिर्फ फंक्शन का नेम लिख कर आप उसे यूज़ कर सकते हो, बट जब आप इंपोर्ट से इस तरह से मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे, तब आपको उसके इंपोर्ट मॉड्यूल का नेम भी आपको लिखना होगा फंक्शन के साथ।